नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय भूषण और आज मैं आपको लेके आया हूँ कहीं नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोई फ्लैट की वीडियो नहीं दिखा रहा, ना किसी फ्लैट की जानकारी दे रहा हूँ। आज की जो वीडियो बन रही है वो स्पेशल ये जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके रिगार्डिंग लिए वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो जनता कर्फ्यू की मांग की है कल रविवार को, संडे को 22 तारीख जो है, तो उसमें हम कुशवाहा होम फैमिली, कुशवाहा होम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिल्कुल बंद रहेगी। तो कल की जो साइट विजिट्स हों, प्लीज़ कल मत आइएगा। और जिस तरह कर्फ्यू की मांग की है प्रधानमंत्री जी ने, अपने घर पे रहिए, आइसोलेशन में रहिए और इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकिए। ये एक छोटी सी पहल है प्रधानमंत्री जी की, जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद आई। जो गवर्नमेंट की मांग है बहुत पसंद आई मुझे और मैं खुद बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। हमने कोरोना वायरस की फाइट के लिए जो मेजर प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे वो सारे लिए हैं। हमारी कंपनी में अगर आप आते हैं तो सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं और सब स्टाफ मास्क पहन के घूम रहे हैं। जो स्टाफ की तबीयत ठीक नहीं है उन्हें छुट्टी पे भेज दिया गया है, कोई सैलरी नहीं काटी गई है, विच इज़ अ वेरी गुड मूव बाय आवर MD मिस्टर GP कुशवाहा। तो दोस्तों, मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना रहा हूँ आज के कैसे कोरोना वायरस से बचें, मास्क लगाएं या बार बार हाथ धोते रहें या सैनिटाइज़र लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोग आप जानते ही हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, न्यूज़ चैनल बहुत एक्टिव है, देख के कभी कभी तो बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो जाती है। तो कोई बहुत ज़्यादा भी इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए, मगर हाँ, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, वो और ज़्यादा नुकसान करती है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, करेक्ट मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स आपको वीडियो बना बना के एडवाइस दे रहे हैं, जो बाहर के लोग जो यूरोप में रह रहे हैं, US में रह रहे हैं, वो लोग जो वीडियो बना बना के भेज रहे हैं कि किस तरह के हालात हो गए, तो इंडिया में ऐसे हालात ना हों उसके लिए मेजर्स ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्पेशली बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, जो कि 50-55 साल से ऊपर के लोग हैं या बच्चे जो हैं छोटे हैं 10 साल से नीचे के, उनके लिए आप स्पेशल मेजर्स लीजिए। अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए, परिवार के लिए स्पेशल मेजर्स लीजिए। बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत आप लोग ही परेशान होंगे। तो कोरोना वायरस है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम ही है इसका, 2-3% मोर्टेलिटी रेट है, बट सीरियसनेस पूरी चाहिए और मेजर्स पूरे चाहिए। तो बस दोस्तों, आज आपसे ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव जो था वो यही था कि आप लोग प्लीज़ अपने घर में रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। हम आगे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वीडियोस ज़रूर डालते रहेंगे। साइट विज़िट करनी हो तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके साइट विज़िट करिए। अपॉइंटमेंट लेंगे आप तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह साइट विज़िट है, क्योंकि हम इस समय गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। अगर वो बोलते हैं कर्फ्यू लगाना है तो हम बंद हैं, वो बोलते हैं कि 31 तारीख तक या 5 तारीख तक बंद रखना है ऑफिस तो हम बंद हैं। तो इसलिए थोड़ा दिन आप वेट करिए और प्रोटेक्टिव मेजर्स लीजिए, बच्चों का ख्याल रखिए, बूढ़ों का, घर में जो मदर फादर हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हैं, सबका ध्यान रखिए। अगर हम लोग सब मिलके ही इस वायरस को भगा सकते हैं या इस वायरस से बच सकते हैं, तो अभी तक कोई मेडिसिन तो पुख्ता रूप पे मेडिसिन तो नहीं बनी है, जिस तरह बता रहे हैं कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लगा के कुछ डॉक्टर्स ने लोगों को क्योर किया है, तो वो पुख्ता नहीं हुआ है, मतलब ऑन अ रियलिटी वो अभी तक 100% नहीं एडवाइस कर रहे हैं डॉक्टर। या फिर जो वैक्सीन्स भी बनी है जिसके ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं वो भी 100% प्रोडक्शन में नहीं आई है, तो टाइम लग सकता है। तो आप लोग सेफ रहिए, घर में रहिए। फ्लैट्स के रिगार्डिंग जो भी वीडियो होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं ये यूट्यूब पे अपने चैनल पे डालता रहूँगा। तो आप कनेक्टेड रहिए, यूट्यूब से कनेक्टेड रहिए, हमारे साथ वीडियो कॉल से। आपको कोई भी मीटिंग करनी है वीडियो कॉल करिए, आपको नंबर्स हमेशा मैं देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में दोबारा डाल दूँगा। तो
वीडियो कॉल करिए, जो भी इन्फॉर्मेशन लीजिए, और जैसे ही हम इस चीज़ के उभर आएंगे इस चीज़ से, फिर हम मिलेंगे और जल्द से जल्द मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और बी सेफ। थैंक यू।